नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छी प्रकार से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अमरूद की हार्वेस्टिंग दिखाएंगे और ये ताइवान पिंक अमरूद का पौधा है और आप देख सकते हैं मेरे छोटे छोटे गमलों में, ग्रोबैग्स में ये अमरूद के प्लांट्स लगे हुए हैं और इसमें ढेरों ढेर अमरूद लगे हुए हैं। इन्हीं की आज हार्वेस्टिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनका साइज़ कितना बड़ा हो गया है। आप भी ऐसे अमरूद के फल प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि गार्डनिंग संबंधित मैं सभी जानकारी आपको दे सकूं। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अमरूद के पौधे से अमरूद हार्वेस्ट करके आपको दिखाएंगे और वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं है। आप देख सकते हैं और कितने बड़े बड़े साइज़ के अमरूद लग रहे हैं और आप भी इस तरह के अमरूद प्राप्त कर सकते हैं। और ये साइज़ कम से कम 300 से 400 ग्राम तक हो जा रहा है गमले में, ग्रोबैग्स में। और ये बहुत ही आसान है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्लास्टिक का पॉट है, 16 इंच का है और इसमें मात्र जो है मिट्टी होगी करीब 30 या 35 किलो के आसपास। आप भी अपने टेरेस गार्डन में इस तरह से अमरूद हार्वेस्ट कर सकते हैं उगा के, बहुत ही आसान है। और मैंने ग्रोबैग्स में भी लगाए हुए हैं, जो पीछे ग्रोबैग आपको दिख रहा होगा उसमें भी अमरूद लगा हुआ है। और इस साल मैंने अमरूद की दो वैरायटी नई शामिल की है, जिसमें थाई 7 गुआवा है और रेड डायमंड गुआवा है। रेड डायमंड गुआवा के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि काफ़ी अच्छा ये अमरूद की वैरायटी है, इसे जापानी अमरूद भी कहते हैं। फिलहाल ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है ताइवान पिंक। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि मेरे अमरूद के पौधे में फल तो लग जाते हैं लेकिन उनका साइज़ बड़ा नहीं हो पाता। तो आप देख सकते हैं कि 300 से 400 ग्राम के ये अमरूद हैं और आपके सामने इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग भी देख लीजिए कि साइज़ अमरूद का बड़ा भी हो रहा है और उसमें जो कलर आना चाहिए वो कलर भी आ रहा है। इसमें मैंने बैगिंग कर रखा है, आपको मैं बैगिंग नहीं दिखा रहा हूँ फिलहाल, मैंने बैगिंग इसमें किया हुआ था ताकि इसमें कोई भी कीट मकोड़े का अटैक ना हो और फ्रूट बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे। तो बैगिंग के लिए आप पॉलीथीन का प्रयोग कर सकते हैं या बाज़ार में जो बैगिंग मिलता है वो भी आप लगा सकते हैं। फिलहाल आपको बैगिंग करना चाहिए, तभी अमरूद में सुंदरता आती है। अमरूद के फल साल में दो बार लगते हैं, इसीलिए इसको बारहमासी कहा जाता है, क्योंकि साल भर इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग चलती रहती है। लेकिन फरवरी मार्च में एक बार फ्लावरिंग होती है और एक बार जुलाई अगस्त में, दो बार तो होना ही होना है। और आप देख सकते हैं कि मेरे ग्रो बैग में ये अमरूद का पौधा लगा हुआ है और फ्रूट का साइज़ देख लीजिए। फ्रूट पकने पर आपको तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आपको देरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो पीछे जो छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं बैक साइड में वो बड़े नहीं हो पाएंगे, उनको बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। वीडियो में आपको मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए कि प्रचुर मात्रा में गमले में और ग्रो बैग में अमरूद लग जाते हैं। फिलहाल तो साइज़ भी इनका काफ़ी अच्छा आ रहा है। छोटे छोटे अमरूद तभी बढ़ेंगे जब आप बड़े बड़े अमरूद तोड़ लेंगे, एक साथ गमले या ग्रो बैग में सभी अमरूद नहीं पकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अमरूद के पौधे में या अपने कोई भी फलदार पौधे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देने की कोशिश करता हूं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सबसे बढ़िया रहता है, फिलहाल आप लोग चाहें तो केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में प्रमुख जो है वर्मी कम्पोस्ट है, किचन वेस्ट है, पत्तों वाली खाद है। इसके अलावा आप चूने का पाउडर का पानी भी दे सकते हैं, वो कैल्शियम की पूर्ति कर देगा। बोन मील का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, फिलहाल मैंने इसमें बोन मील का प्रयोग नहीं किया हुआ है। और वर्मी कंपोस्ट, चूने का पानी, सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, नीम की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, यही दे के मैंने अपने फल को बड़ा किया है। क्योंकि इतनी आसानी से ये अमरूद का पौधा बड़ा हो गया सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से और इसमें प्रचुर मात्रा में फल भी लगने लगा। आप भी जो मैं टेक्निक अपनाता हूँ इसे अपनाकर ढेरों ढेर फल प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होने वाली। किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फ्रूट उगा रहे हैं तो ऑर्गेनिक ही हमारे छत के ऊपर फ्रूट होना चाहिए। हम कोई भी फ्रूट बाज़ार से ख़रीद के भी खा सकते हैं, लेकिन अपने छत के ऊपर गमलों में फ्रूट उगा के खाने का कुछ आनंद ही अलग है।
और एक अच्छी फीलिंग भी आती है अपने टेरेस गार्डन के फ्रूट को खाकर, और मन भी प्रसन्न हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि फ्रूट हार्वेस्टिंग पर ये वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आएगा और एक मोटिवेशन भी होगा कि आप लोग भी पौधे लगाएं और ढेर ढेर फल प्राप्त करें। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।